दोस्तों भाईजान की मूवी, किसी का भाई किसी की जान का भाई साहब यहां से लाइफ टाइम दोस्तों कलेक्शन कितना हो गया है, क्योंकि अब यहां पे आप लोग कह सकते हो कि मूवी का दम घुट रहा है। और मुझे लगता है कि दोस्तों यहां पे दी केरला स्टोरी ने जिस तरीके से शोज छीने, देखो भाई अगर आप लोग देखो तो ये तीसरा ही हफ्ता है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो मूवी है अभी और सर्वाइव करती और 50, 60, 70 लाख रुपए के इसके वीक डेज तो रहते, लेकिन दोस्तों यहाँ पे शोज जिस तरीके से छीने गए, देखो भाई अगर हम लोग देखें इसका जो थर्सडे है जब वो मूवी रिलीज नहीं हुई थी तो दिल्ली में दोस्तों 600 शोज थे, और अगले ही दिन गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी और वो मूवी रिलीज हुई केरला स्टोरी, उसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों कह सकते हैं कि जितना दिल्ली में शोज था अभी टोटल शोज है इसके पास। तो यहाँ पे दोस्तों जो कल के नंबर आए, हालांकि मुझे लग रहा था कि भाई कल थोड़ा सा गाइज ऑक्यूपेंसी अच्छी थी, लेकिन दोस्तों कलेक्शन तो भाई उम्मीद से भी कम हुआ। तो कल के ऑफिशियल और आज का गाइस लगाएंगे प्रेडिक्शन, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट स्टार्ट। दोस्तों यहां पे देखो इस मूवी ने जिस तरीके से कलेक्शन किया है, मतलब देखो उम्मीद नहीं थी लोगों को मूवी के रिलीज से पहले ही लोगों को उम्मीद नहीं थी कि मूवी ये बॉक्स ऑफिस में चलेगी, लेकिन उसके बावजूद इसने अपने बॉक्स ऑफिस में नेट में 100 करोड़ कमा के कह सकते हैं कि एक बड़ा काम किया है, क्योंकि दोस्तों लोगों को सिर्फ और सिर्फ इंतजार है टाइगर 3 का, और इस मूवी ने कह सकते हैं कि सलमान खान का नाक तो बचा ही लिया, क्योंकि मामला 200 करोड़ के नज़दीक है। अगर दोस्तों यहाँ पे हम लोग कमाई की बात करें, शुरुआत के 19 दिनों का ऑफिशियल फिगर आ चुका है और आज कितना हो सकता है, तो दोस्तों देखो कल मुझे लग रहा था कि यार 40, 45, 50 लाख रुपये के नंबर आएंगे, लेकिन 27 लाख रुपये, 27 लाख रुपीज़ के दोस्तों नंबर आए, यानी कि परसों से भी कम, परसों 30 लाख तो कल 227 लाख रुपए। तो इस तरीके से इसकी कमाई आप लोग कह सकते हो कि 110 करोड़ 80 लाख रुपए हो चुका है, 110.80 करोड़, ये नेट कलेक्शन की बात हो रही है। अगर दोस्तों हम लोग आपको ग्रॉस इसका बताएं कि कितना हो चुका है, तो ये जो कमाई है 131 करोड़ 92 लाख रुपए की कमाई कर चुकी है एज अ ग्रॉस इंडिया जगह। इस यहाँ पे इसका ग्रॉस जाके 131 करोड़ 92 लाख रुपए, आप लोग 132 करोड़ मान सकते हो, बाकी दोस्तों ओवरसीज से क्या नंबर आए। अगर हम लोग आपको ओवरसीज के फिगर बताएं तो देखो भाई यूके या फिर यूएसए या फिर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, इन जगह तो इसकी कमाई नॉर्मल हुई है, लेकिन गल्फ में गाइज इसने फाड़ दिया है। गल्फ में ये कह सकते हैं कि तीसरी मूवी है यानी कि यूएई में जिसने इस साल काफ़ी अच्छी कमाई की है। पहले में मेरे ख्याल से पठान ने 8.5 मिलियन US डॉलर की कमाई की, फिर उसके बाद पोनियन सेल्वन जिसने मेरे ख्याल से 2 मिलियन USD, और फिर गाइस किसी का भाई किसी की जान 1.65 मिलियन US डॉलर। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ओवरसीज से 54 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई हुई है, 54.20 करोड़। तो अगर हम लोग ये आपको जोड़ के बताएं कि कितना होता है, तो गाइस ये होता है 186 करोड़, 186 करोड़ दोस्तों इसका वर्ल्ड वाइड हो चुका है, यानी कि यहाँ से 200 करोड़ के जो नज़ारे हैं वो आपको नहीं दिख पाएंगे। हाँ 190 करोड़ ज़रूर हो सकता है, मूवी का बजट 120 करोड़ है। तो गाइज अगर हम लोग ग्रॉस कलेक्शन के हिसाब से चेक करें तो मूवी दोस्तों यहाँ पे हिट है, लेकिन गाइज जहाँ हम लोग नेट देखते हैं, क्योंकि ये बॉलीवुड की मूवीज़ को नेट के हिसाब से दोस्तों मिलता है वर्डिक, तो ये जो मूवी है एवरेज की कैटेगरी में आता है। बाकी देखते हैं कि दोस्तों ये आज अपने बॉक्स ऑफिस में किस तरीके का नंबर लाएगी और आज ये शोज कितना है इसके पास, ये भी देख लेते हैं। तो गाइस आज 25 लाख रुपये आ रहा है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें ऑक्यूपेंसी, तो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी 8.5, आफ्टरनून 11 और इवनिंग दोस्तों 12 रहता है, ठीक ऑक्यूपेंसी कहूँगा। मुंबई में इसके पास लगभग भी लगभग 57 शोज़ हैं, दिल्ली NCR में दोस्तों लगभग भी लगभग 97 शोज़ हैं, पुणे में 15, बेंगलुरु में 15, हैदराबाद में 15, कोलकाता में 45 शोज़ हैं दोस्तों, अहमदाबाद 65 शोज़ हैं, चेन्नई में सिर्फ 2 शोज़ हैं, सूरत में 16, जयपुर में 27, चंडीगढ़ में 4, भोपाल में 13, लखनऊ में 45 शोज़ हैं। तो कहने की बात यहाँ पे यह है कि मामला बेहद ही दोस्तों डाउन, यानी कि 400 से भी नीचे गाइस शोज़ हैं हर शहर का मिला के। तो गाइस ये जो मूवी है ये 200 करोड़ कर लेती अगर वो जो मूवी है वो नहीं आती, तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे इस मूवी की कमाई 25 लाख रुपये होगी। तो मुझे लगता है कि 190 करोड़ दोस्तों इसका लाइफ टाइम जाके ग्रॉस वर्ल्ड वाइड होगा, बाकी नेट की कमाई अगर इसकी 113, 14 या 15 करोड़ हो जाए तो गनीमत है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है, आपका क्या कहना है इसमें बताओ कमेंट में, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।